नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री आर्यभट्ट प्राथमिकशाला आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपने एक नवा टॉपिक એટલે કે વિષય હિન્દી કે ધોરણ 5 નો પ્રશ્ન નંબર 7 નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખે તેનો આપણે જોવાનો છે। તેમાં તમને પહેલો પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યો છે કે પાણીનો ઉપયોગ હમ કહા કહા કરતે હે, એટલે કે આપણે પાણીનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરીએ છીએ એનો જવાબ આપવાનો છે। તો આપણે બોર્ડ ઉપર લખેલો છે તે જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન જવાબ, हम पानी का उपयोग पीने में नहाने में रसोई बनाने में कपड़े धोने में खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं। पर बीजो प्रश्न है, लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं, लोग पानी का अपव्यय बगैर कई रीतना करे थे। अपने जवाब जो है कि लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं। पहले अपन पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, देखिए नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, तरह करके टपकते नल को बदलते नहीं है। पर आवे इतना से लोग शुरू करते तो पानी में व्यय करे थे। तीसरा प्रश्न है कि पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है, लेकिन पानी का बगैर कई रीतना पर रोकी शके। तेरा जवाब में आ गया एक कड़ी लगाओ जलाशय पर सूचनाएं लेकर अपने खबर जो सामने तलाव का आपने गमी ले जाए अथवा पानी ना पड़ा बच्चे आप पर लेकर के पानी जो बगार करो नहीं आवे सूचना लकी ने ये कड़ी लगाओ टपकते नल को बदल कर रखे जेमा थे लेकर था तो यह नल बढ़ी ने चल करी लगाओ पीने योग्य पानी की जरूरत के मुताबिक उपयोग करके चार करने पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझा कर आवे इतना कुछ कर सके तो क्या पानी का अपव्यय तो रोकी सके। चौथा तो मैं प्रश्न आपके लिए कि तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ। मेरा जवाब मालूम पड़ा कि तालाब में पानी भरने से खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लगे लगे लेके घना बदल से इशु है तो के मक्का और धान से ही उगा लाने। चार प्रश्न का प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पानी के उचित उपयोग के सामने खरु आज सरकार के बजाय से नेक्स्ट